सो गाइस, सो हाय, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी कुछ ऐसा सीन है कि हम लोगों ने क्या किया कि आज की हमारी कुछ अलग सी प्लानिंग थी, मतलब कुछ अलग ब्लॉग बनने का, कुछ हट के बनने का। तो अभी गाइस हो चुके हैं 11:30 रात के और मैं उठ चुका हूँ। मतलब मैं सोया ही नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हम लोग आज बनाने वाले थे हॉरर ब्लॉग और हमारे साथ अभी 3-4 लोग हैं। तो गाइस सभी अभी सोए हुए हैं, मैं बस एक जगह हुआ था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। किसी को भी मतलब मेरा ये पता नहीं है कि उस लोगों का करना क्या है, मतलब मैं क्यों जगाने जा रहा हूँ उन लोगों को, ये अभी किसी को पता नहीं है। मैं फाइनली जगाने के बाद ही पता चलेगा उन लोगों को। मैं मतलब अचानक से मैं लेके चलूंगा, तब जाके शायद उन लोगों को पता चल जाए। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, ये शुभम सोया हुआ है, देखिए पूरे नींद में सोया हुआ है बेचारा। फोन अपना साइड में रख के, वैसे फोन पास में रख के ये सोता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों पास में रख के सोया हुआ है। दिखाते हैं इसको। ए भाई उठ जा भाई, अबे उठ जा, 2 बज गए भाई, 2 बज गए, सुबह के 2 बज गए। हाँ 2 बज गए, 12 बजे बनाना था ना वीडियो, 12 बजे। हाँ उठ जा ना, लेट हो गया। हाँ वीडियो बना रहे। हाँ वीडियो मतलब अभी शूट कर रहे थे, सोच रहे थे कि सुबह हो गई थी ना, तो अब चलो उठते हैं। वो कहाँ है प्रिंस अमन? और अभी मतलब मैं प्रिंस अमन के लिए ये भी ढूंढ रहा, प्रिंस अमन कहाँ है। तो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ क्योंकि प्रिंस अमन जो है अंदर रूम में सोए हुए हैं। तो सामने में आप देख सकते हैं अपने घर में, ये हमारा घर है और यहाँ पे देख लीजिए सब कोई मतलब सोया हुआ है, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है अंदर और बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा है। और ये देखिए आप, अंदर में लाइट थोड़ी सी जल रही है। और ये जो सामने वाला रूम है, ये वाले रूम में प्रिंस और अमन सोए हुए हैं। तो मैं इनको जगा लेता हूँ। इधर ये दरवाजा पता नहीं क्यों लगा रखे हैं। अरे देखिए दोनों, मतलब कि एक तो इधर पंखा लगा के सोया है और एक इधर, अब देख लो ये यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इसने अपना चश्मा और फोन और कान में इसके आप देख सकते हैं एयरपॉड लगा रखा है भाई। ओ उठ जा, 6 बज गए, मच्छर काट रहे हैं, सुबह के 6 बज गए, 6 बज गए भाई, उठ जा, 6 बज गए। ये दोनों भी सोए, मेरे को लगा। और इधर ये पूरा, अरे 6 बज रहा भाई, सुबह के 6 बज गए भाई, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, अरे उठ जा भाई, टाइम देखिए एक बार 11:30 हो गए। और यहाँ पे प्रिंस भी सोया हुआ है भाई। हो उठ जा, अबे उठ जा, ये क्या हुआ, अबे उठ जा भाई उठ जा। ये प्रिंस पूरा चौंक गया है, क्या हो रहा है अभी, मतलब सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोच रहा है प्रिंस कि यहाँ पे अभी सब क्या कर रहे हैं। भाई चलना है, बाहर चलना है, चल नहीं यार चलना, अबे भाई निकलनी थी ना, शूट करना है, ब्लॉग शूट करना है, अबे चल चल ब्लॉग शूट करना है, चल उठ जा उठ जा चल। तो गाइज अभी एक्चुअली सब अभी रेडी हो रहे हैं बाहर निकलने के लिए। वो क्या है ना कि हॉन्टेड प्लेस पे हम लोग अभी जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन अंदर से डर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैसे हमने सारा चीज तैयार कर लिया, हम लोगों ने टॉर्च लिया है, एलईडी लिया, बहुत सारा चीज लिया है, फिर भी लग रहा है थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है। देखते हैं क्या होता है। इधर ये लोग भी देख सकते हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। डर लग रही है क्या? बहुत ज्यादा आपको? बट बहुत मजा भी आएगा। ये लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो नींद लग रही थी, अब डर लग रहा है थोड़ा सा सुनने के बाद ही ब्लॉग शूट करने लगा। एक्चुअली मैंने इनको ये बताया नहीं था, अमन को नहीं पता था कि कोई मैं ब्लॉग शूट करना है हम लोगों को, हॉरर ब्लॉग। उसको लगा कि 6:30 बजे भैया जगा रहे, तो ये उठ गया। और इधर प्रिंस देख लीजिए पूरा तैयार हो रहा है, जींस पहन रहा है और ये भी बेचारा सोच रहा था कि क्या मतलब। ये वैसे उठता नहीं है जल्दी, लेकिन कितने परिश्रम के बाद हमने इसको जगाया। मैं डरा हूँ बट मैं सो नहीं कर रहा हूँ, आवाज नहीं निकल रही है, ये पता चल जा रहा है आपकी आवाज से, ये आपकी आवाज से पता चल जा रही है कि आप डरे नहीं है।
तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं, सारे निकलते हैं, चिढ़ा के रख देंगे, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ बस। चलो गाइस तो फिर हम लोग चलते हैं, बढ़ते आगे। वैसे हमारे साथ एक और लड़का आ रहा है, विशाल, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी कॉल कर रखा है, क्योंकि वो एक्चुअली उस एरिया के बारे में बहुत बढ़िया से जानता है, तो थोड़ा सा डर कम रहेगा, इसलिए हमने उसको अपने साथ ले लिया है और वो फोन कर दिया हमने। वो बस कुछ ही देर में आ ही रहा, उठ जा, कुछ ही देर में वो आ ही रहा होगा। ये जो है कि अभी भी सो रहा है, मतलब चलो, चलो। देख सकते हैं, इसकी आंखें देख सकते हैं, चलो चलो, चश्मे के अंदर भी सो रहा होगा, ये पता नहीं क्यों। आज मेरा भी वैसे ही सूझा हुआ है, क्योंकि मैं तब से जगा हुआ था। चलो चलते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है प्रिंस, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तो वैसे आप देख सकते हैं, हम लोग ये टॉर्च वगैरह लेके निकल चुके हैं, और अभी यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारा इंतजाम कर रखा है। यहाँ पे हमने टॉर्च रखा है, और हम यहाँ पे एक और एलईडी लगा के रखे हैं यहाँ पे चार्ज में। यहाँ पे देख लीजिए, इसको चेंज कर रहे हैं, ये भी लेके जाना हम लोगों को, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम होगी। तो ये एलईडी जो है ना, ऐसे टच करने पे भी ऐसा लाइट करता है, तो हम लोगों ने ये भी ले रखा है सेफ्टी के लिए। वो दे दो मेरे को भैया। तो यहाँ पे मतलब बोर्ड लगी हुई है कि कौन सा लाइट कौन रखेगा, और फाइनली विशाल भी आ चुका है, और मैं आपको विशाल से मिला देता हूँ। ये है विशाल, जिसको इस एरिया के बारे में पूरी तरह से जानकारी है, और ये हम लोग यहाँ से निकल रहे बाहर, और इधर चारों तरफ देख सकते हैं आप, सन्नाटा ही सन्नाटा है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से सुनसान रोड है यहाँ पे। अभी एक्चुअली हमारा मेन रोड है, और यहाँ पे शुभम भी देख सकते हैं आप, ब्लॉगिंग कर रहा है एक्चुअली, ये भी हॉरर ब्लॉग शूट कर रहा था। आप देख सकते हैं इधर, ये जो जगह है ये भी हॉन्टेड प्लेसेस में ही आता है। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, मतलब अंदर से तो डर बना हुआ है, फिर भी हम लोग निकल चुके हैं हॉरर ब्लॉग शूट करने, और यहाँ पे अमन, प्रिंस, विशाल, हाँ चलते हैं, बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सब, चलते हैं आगे और देखते हैं। तो गाइस सारे लोग इस रास्ते पे चल दिए, क्योंकि यहीं से थोड़ी दूर पे हम लोग एक मोड़ से मुड़ने वाले हैं, जिधर में मतलब हम लोगों का वो जगह है, वो हॉन्टेड प्लेस, वो भूतिया जगह, और देखिए हम लोग आगे चल के देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। अभी तो सब डरे हुए हैं, अभी थोड़ा सा मतलब डर बना हुआ है, अभी भी डर रहे हैं सब मेरे साथ, मतलब क्या कहते हैं, इस टाइम में मतलब आसपास में कोई भी इंसान नहीं है, पता नहीं, आसपास से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, और बहुत ही खतरनाक, मतलब ये सामने में आप देख सकते हैं, इधर वो जो सामने जो लाइट जल रहा है ना, लाइट के बाद जो बाद वाला जो इलाका है, उधर का इलाका जो है कि बहुत खतरनाक इलाका माना जाता है। तो ये जो इधर के इलाका में हम लोग जा रहे हैं, ये वाला जो इलाका है ना, बहुत खतरनाक माना जाता है इधर, मतलब कोई मतलब रात को आता नहीं है, और बहुत खतरनाक इलाका माना जाता है ये, यहाँ पे चारों तरफ मतलब सुनसान ही है, मतलब एकदम से अजीब सी चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। कौन सी आवाज़ है? आगे नहीं जाना, आराम से आराम से आराम से आराम से जाना, ओए आगे नहीं जाओ, अरे रुक जा, अबे रुक। गाइस ये वो जो विशाल है वो आगे आगे जा रहे हैं, पता नहीं, मतलब मेरे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है यहाँ पे चारों तरफ, मतलब जंगल ही जंगल है इधर, और मतलब क्या बताऊँ, ये मैंने अभी विशाल को आगे सामने जाने से रोका, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं सामने का जो इलाका है ना, इधर वाले इलाके में थोड़ी सी मतलब ये वाला, ये आप देख सकते हैं ये वाली जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बिल्डिंग मानी जाती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो वाली जो बिल्डिंग है, बहुत खतरनाक मतलब अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं इधर से, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अजीब सी आवाज़ आ रही है। तुम लोगों को कुछ आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, अजीब सी आवाज़, पता नहीं किधर से ऐसी आवाज़ें आ रही है इधर,
हाँ सुनो, फील कर रहे हैं? सब लोग बिल्कुल डरे हुए हैं, चेहरे पे एकदम डर दिख रहा होगा आप लोगों को, मतलब अजीब अजीब सी आवाज। एक्चुअली भाई वो क्या है? हमारा घर यहाँ से किधर 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 भाई, वहाँ पे लाइट जला, वहाँ पे पता नहीं कौन सी चीज थी इधर साइड में पता नहीं कौन सी चीज थी, मतलब चेहरा मतलब व्हाइट कलर का कुछ था जो सबका हालत खराब है बिल्कुल। ये इसका पूरा कलेजा धक धक कर रहा है और ये देख सकते हैं, ये पूरा सदमे में दिख रहा है। ये पूरा इस इलाके के बारे में बहुत अच्छे से जानता है लेकिन फिर भी थक गए हम लोग। अच्छा वो सामने में कुछ वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे उस जगह कुछ दिखाई। ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये बिल्डिंग जो है ना कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे लोग मतलब बहुत पहले रहा करते थे, अभी मतलब यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। और ये उधर दिखा, उधर लाइट जला क्या है उधर, रुक जा नहीं वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कुछ दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है कुछ, पता नहीं। इधर में ये छोटी सी लाइट चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला ये वाली चीज भाई, अरे सो गाइस, इधर साइड में ये एक और खंडर टाइप का ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, बहुत पुराना खंडर है ये भी। लेकिन इधर से एक रास्ता जाता है इधर थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप, इधर बहुत दूर वो लाइट जल रही है, और ये इधर जंगल, पेड़ पौधे बिल्कुल, बस इधर चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये आप देख सकते हैं, मतलब अजीब सी ये जो चीज़ें दिख रही हैं, और पता नहीं आवाज़ें, अजीब सी आवाज़ें आ रही है इधर, बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही है, आप देख सकते हो पेड़ों को। और इधर आप पता नहीं अजीब सी आवाजें आ रही हैं इधर से, और दूर दूर तक, उधर टॉर्च जलाना दूर दूर तक जाने, इधर भाई इधर में नीचे टॉर्च जलाते रहो, ये इधर इधर जलाना भाई। अबे वो देख वो कहाँ, अबे डर क्यों रहे हो, अरे आजा यार, आजा यार, सब साथ रहेंगे, अबे डर लग रहा यार, आजा, खतरनाक जगह यार, इधर पता नहीं गाइस, इधर टॉर्च लाना, तो टॉर्च लाना जरा, इधर टॉर्च लाना, उधर में मेरे को कुछ दिखाई दे रहा, सच है क्या ये, देख तो यहाँ से देख तो दिख रहा कुछ, इधर में ये पता नहीं आपको दिख रहा है, टॉर्च ये मेरे को यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा, एक सेकंड यार, फोन दो मेरे को, इधर में यार कुछ तो दिखाई दे रहा मेरे को, नहीं कुछ टाइम दिखा दे, आगे की तरह बढ़ रहा है, कितने हो रहे भाई,
भाई और चल भाई इधर ठीक नहीं है, रहने दे चल चल इधर 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 जगह ठीक नहीं है, रुक जा भाई रुक जा, चलना ना रहने दे भाई, जगह ठीक नहीं है, चल फॉल बैक कर। हाँ भाई बस बोल मत, तू बोल मत चल चल चलता रहा भाई चलता रहा, पता नहीं अजीब सी चीज कुछ हम लोगों की तरफ आ रही है गाइस। भाग गाइस भाग, अबे सच में था यार, अबे चलना जल्दी, बाद में बात करते इसके बारे में, चल 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 जल्दी चल, बाद में बात करते हैं। बाप रे भाई सच बता दे, तो गाइस तो बिल्कुल से हालत खराब हो रखी है और हम लोगों ने फाइनली फॉल बैक कर लिया, क्योंकि मतलब बहुत ही ज्यादा डरावना जगह था और पता नहीं, मतलब मैं बता नहीं सकता यार, अजीब सी चीज थी जिसका गर्दन ऐसे उल्टा पड़ा हुआ था, हाथ ऐसे मतलब ऐसा लग रहा था कि हाथ ऐसे पड़ा हुआ और ऐसे उल्टा मेरी तरफ मतलब दौड़ती हुई हम लोगों की तरफ आ रही थी। अगर दिखाने जाते तो शायद दोबारा से नहाते, हाँ शायद ज्यादा देर और हम लोग रुकते तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, बहुत ही ज्यादा मतलब बता नहीं सकता मैं, मतलब मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा, एक्चुअली मैं क्या कहूँ ना कि मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन मैंने आज तक ऐसी चीज देखी नहीं थी, मतलब अजीब सी चीज थी, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे हाथ पैर अजीब से हो रखे थे उसके और हमारी तरफ एकदम फटाफट दौड़े हुए आ रही थी, मतलब सब कुछ, और लोग तो कह रहे थे कि चलते हैं भाई आगे बढ़ते हैं, मेरे को मतलब इन लोगों को लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ, बट गाइस हो सकता है मजाक हो, लेकिन मेरे को तो मतलब मैंने देखा उनको और कुछ तो अभी भी हम लोग पीछे आगे पीछे दौड़ा देंगे नहीं तो, अभी भी लग रहा है कि कुछ आगे पीछे ऐसा है, बट गाइस अभी हम लोग शायद सेफ जोन में आ चुके हैं भाई, बंद करता यार वीडियो, बहुत डर गया आज के लिए फाइनली यार, बहुत ज्यादा थक चुके थे हम लोग, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं ना कि एक बार प्रिंस ने डरा दिया उसके बाद यार, मतलब पहली बार तो जब प्रिंस ने डराया मेरे को लगा कि यार सच में कुछ है, मतलब मेरे को भी वैसा ही लगा था, खराब हो गया, लेकिन पूरी तरह से हम लोगों को नहीं दिखा था, प्रिंस को पूरी तरह से वो दिखा था, पता नहीं क्या था वो, डराया था कि क्या था यार, मजाक कर रहा था, बट मेरे को नहीं लग रहा क्योंकि आवाजें कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी उधर से भाई, तो मेरे को थोड़ा सा आवाज आ रही थी तो मैं सोचा डरा दूं, लेकिन आवाज तो आवाजें जो थी ना वो कंटिन्यूअसली आ रही थी ऐसे, हाँ कंटिन्यूअसली अजीब सी आवाजें आ रही थी भाई, ये आप देख सकते हैं, ये अमन भी पूरा डर चुका था, लेकिन ये विशाल, इसको एक्चुअली इस इलाके की पूरी जानकारी है, ये काली की तरह हमारे पीछे पीछे ये छोटा सा डंडा लेके पड़ा हुआ था, बाइक आ रहा बे, ये एक डंडा लेके हम लोगों के साथ घूम रहा था, बट सच में ये लोग भी बहुत ज्यादा डर गए, और यहाँ पे मतलब हम लोग अभी घर के सामने बैठे हुए हैं, हमारा घर है और इसके सामने हम लोग आ चुके हैं, तो अभी थोड़ी सी जो डर है हमारे अंदर की वो डर खत्म हो चुकी है क्योंकि हम लोग घर के पास आ गए हैं, तो गाइस फाइनली मतलब हम लोग सही सलामत वापस आ गए हैं, सो गाइस फाइनली हम लोग जैसे तैसे आ चुके हैं अंदर, और मतलब बाहर सच बता दो यार कि अगर और ज्यादा देर हम लोग उस इलाके में रहते तो कुछ अलग ही हो गया रहता, मतलब ऐसा कुछ कि हम लोग शायद वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, लेकिन फाइनली आपके लिए हम लोग इतना ज्यादा रिस्क लिए, 12 बजे रात को हमने वीडियो शूट किया, और ये हमारे जो साथ में थे इन्होंने हमारी बहुत मदद की, और विशाल जो कि काली की तरह हमारे साथ बना हुआ था, बिल्कुल वो जो काली ऐसा लठ लेके हमारे साथ मतलब साथ में रहता है काली मूवी में, जो अजय देवगन था, मैंने भी देखा वो, तो काली की तरह ही हम लोगों के साथ लगातार पड़ा हुआ था और डर नहीं रहा था बिल्कुल, तो ये चीज हमने देखी, और बट हम लोगों का मतलब भाई क्या बताऊं, ये धक धक कर रहा, तो फाइनली मैं हम लोग मतलब सही सलामत आ चुके हैं, तो गाइस यहीं पे मतलब इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इससे भी ज्यादा मतलब थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन कोशिश करेंगे कि इससे भी मतलब अलग जो अगला ब्लॉग है वो और ज्यादा अलग है इससे, तो गाइस अगर आपको और भी हॉरर ब्लॉग्स देखने हैं तो लगातार ये डरा हुआ है, एक्चुअली हॉरर ब्लॉग शूट करने से ये लोग डर रहे हैं, मतलब ये तो इनको किसी को मतलब ऐसा था नहीं कि हॉरर ब्लॉग आज बनने वाला है, मैंने अचानक से ऐसा प्लान बना दिया था, तो हमें ये लोग डर चुके हैं कि हॉरर ब्लॉग हम लोग नहीं शूट करेंगे, मैंने कहा कि नहीं हॉरर ब्लॉग शूट होगा और बिल्कुल होगा, अगर हमारे
व्यूअर्स कहते हैं। तो गाइज आप लोग अगर आपको फिर से कोई और हॉरर ब्लॉग देखना है तो बने रहिए, कमेंट करिए बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाके, और आपको कोई हॉरर लोकेशन भी बताना हो आप बता सकते हैं, हम वहां जाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। चलिए गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।